वालेकुम, आप किस चैनल TGS द गेमिंग स्टोर पे वन सेकेंड आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम फिर आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। और ये अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू जो है ये होने वाला है एक लिक्विड कूलर का। डीपकूल ब्रांड की जानिब से गेमेक्स L360V2 RGB कूलर की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू है ये। तो ये है जी हमारे पास डीपकूल गेमेक्स L360V2। और आपको बताते चलें कि ये मैक्सिमम साइज़ का जो लिक्विड कूलर है 3 RGB फैंस के साथ ये वो है। तो बढ़ते हैं इसके कुछ हाइलाइटेड फीचर्स और स्पेक्स की जानिब और फिर इसको अनबॉक्स करते हैं। तो यू कैन सी के मेन जो इसका हाइलाइटेड फीचर है विच इज़ मेंशनड हियर, एंटी लीक टेक्नोलॉजी इनसाइट, मींस के इसको लीक प्रूफ बनाने की हर मुमकिन कोशिश ज़ाहिर की गई होगी, लेकिन हम इस पर डिटेल में नजर। तो ये है जी बॉक्स, इसके ज़रा कुछ हाइलाइटेड फीचर्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंटी लीक टेक्नोलॉजी इनसाइट ये लिखा गया है, और इस जानिब जो है ये असूस के ऑरा सिंक, रेजर का क्रोमा RGB, गीगाबाइट का RGB फ्यूजन, MSI का मिस्टिक लाइट और एजरॉक का पॉलीक्रोम सिंक के साथ ये कंपेटिबल है। मीन इन तमाम सॉफ्टवेयर्स के साथ जो कि डिफरेंट ब्रांड्स के प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स हैं, इनके साथ ये कूलर जो है वो सिंक्रोनाइज हो सकता है। ओवरऑल ये इसकी लुक है जो इंटरफेस आप देख रहे हैं। तो चलिए इसके कुछ और रिलेटेड फीचर्स देख। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एंटी लीक टेक्नोलॉजी इनसाइट, मोरोवर इसके अंदर पावरफुल जो वाटर पंप है जो स्टेबल और एक्सट्रीम हीट डिसिपेशन परफॉर्म कर सकता है वो मौजूद है। ये इंटेल और AMD के तमाम जो मेन स्ट्रीम सॉकेट माउंटिंग यूनिट्स हैं उनको सपोर्ट करता है, मीन तमाम प्रोसेसर्स को। मदरबोर्ड के साथ 12V RGB सिंक कंट्रोल इस सपोर्टेड है, ये मीन RGB जो हेडर है उसके साथ ये सिंक्रोनाइज हो जाता है मदरबोर्ड के साथ। और इस जानिब जो है वो कुछ और फीचर लिखे हुए हैं। तो इसका नेट वेट जो है वो 1.6 किलोग्राम है। रेडिएटर डायमेंशंस जो हैं वो 402x120x27mm है। रेडिएटर मटेरियल जो है वो एल्युमिनियम है विच इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ट्यूब लेंथ जो है वो 465mm है। इसके साथ पंप डायमेंशंस जो हैं वो 9179x47mm है। जो पंप स्पीड है दैट इज़ नोटिसेबल 2550 RPM। पंप जो नॉइज़ है वो 17.8 decibel है, जो कि बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, ऑलमोस्ट अननोटिसेबल है। लेकिन अगर ये PWM सॉकेट से कनेक्टेड होता है तो उस सूरत में ये अपनी जो RPM है उसको कम ज़्यादा कर सकता है ऑटोमेटिकली। और इसके साथ साथ जो पंप कनेक्टर है ये 3-pin है। पंप की रेटेड वोल्टेज 12V DC है। पंप का रेटेड करंट 0.21 एम्पियर रिक्वायर्ड है इसको। पावर कंजम्पशन जो इसकी पंप पावर कंज्यूम करेगा दैट इज़ 2.52 वाट। और उसके साथ साथ 3 जो है वो इसके अंदर 120mm जो है वो फैंस इसके रेडिएटर के ऊपर इंस्टॉल होंगे। और इनका जो एयर सक्शन है वो 69.34 CFM, मीन 69.34 क्यूबिक फीट पर मिनट जो एयर है ये सक करेगा। इसका जो फैन एयर प्रेशर है दैट इज़ 2.42 विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड फैन नॉइज़ जो है वो लेस दैन 30 decibel होगी। फ़ैन कनेक्टर जो है वो 4-pin इसमें मौजूद है। हाइड्रो बेयरिंग इसके अंदर मौजूद है जो कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिसकी काफ़ी ज़्यादा होती है। और उसके साथ साथ जो फ़ैन की वोल्टेज है वो 12V होगी। और साथ ही RGB, जैसा कि आपको बताया गया है कि ये फ़ैन है, तो ये RGB से डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के साथ ना सिर्फ सिंक्रोनाइज हो सकते हैं बल्कि डिफरेंट RGB इफ़ेक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि इसकी बिल्ड क्वालिटी, हीट डिसिपेशन मैकेनिज़म, ओवरऑल RPM और उसके साथ साथ जो पंप एफिशिएंसी है प्लस एंटी लीक टेक्नोलॉजी है, दैट ओवरऑल फीचर्स ये वो हैं विच मेड इट क्वाइट डिस्टिंक्टिव फ्रॉम अदर्स। और इस जानब आप देख सकते हैं RGB फैन, RGB ही पंप है, इसका RGB कंट्रोलर है, मदरबोर्ड सिंक केबल है, इंटेल एंड AMD के लिए डिज़ाइंड है, इजी इंस्टॉलेशन एंड लो नॉइज़, मीन हर लिहाज से ये जो है वो L360 गेमेक्स ये एक परफेक्ट लिक्विड कूलर है। तो ये है जी गेमेक्स L360V2 डीपकूल ब्रांड की जानिब से, जो कि फुल साइज़ होने की वजह से काफ़ी बड़ा कूलर लग रहा है, काफ़ी बड़ा बॉक्स है इसका। तो चलिए इसको जल्दी से अनबॉक्स करते हैं और इसकी इंटरनल डिटेल्स जो हैं वो आपके साथ शेयर करें। तो यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रोटेक्शन के लिए एक फॉर्म, और ये है जी इसके अंदर का माहौल। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या मौजूद है। फर्स्ट ऑफ ऑल
ये इंटेल और एएमडी के लिए तमाम जो पॉसिबल रिक्वायर्ड ब्रैकेट्स हो सकती हैं इंक्लूडिंग ऑल द सीपीयूज ईच एंड एवरीथिंग ये हमें प्रोवाइडेड है। उसके साथ डिफरेंट कनेक्शंस के लिए डिफरेंट केबल्स जो है ये हमें प्रोवाइडेड हैं और इसमें इनको पंप को और बाकी कंपोनेंट्स को फैंस को पावर अप करने के लिए साटा के थ्रू भी आप इसको पावर देंगे। साटा केबल जो है वो इसके अंदर से ये खजाना दरियाफ्त हुआ है, दैट इज़ द क्विक इन्फॉर्मेशन गाइड और इंस्टॉलेशन बुकलेट यू कैन से, और इसके अंदर इसकी इंस्टॉलेशन से रेलिवेंट तमाम जो टेक्निकल डिटेल्स है वो ज़ाहिर है मौजूद होगी। तो बढ़ते हैं मज़ीद आगे, यहाँ पे कुछ इसको प्रोटेक्शन के लिए एक साइड पे ये कुछ फोम रखा गया है, दैट्स गुड। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डीप कूल ब्रांडिंग के साथ ये तीन जो आरजीबी फैंस हैं ये हमें मिले हैं और अच्छी खासी बिल्ड क्वालिटी के साथ ये फैंस हैं। यहाँ पे ये डिफरेंट कनेक्टर्स जो है वो इसके वो आप देख सकते हैं और दे आर थ्री फैंस विच आर आइडेंटिकल ऑफ कोर्स, ये सेकेंड वन और ये जो है ये एक थर्ड फैन है। तो वी आर गोइंग टू शो यू इन डिटेल, आप देख सकते हैं कि किस तरह इसके ब्लेड्स जो हैं वो आरजीबी डेफिनेटली हैं ही, लेकिन इनके ऊपर ये जो रिजेस बनी हुई हैं दे इंश्योर द मैक्सिमम एयर प्रेशर एंड ए बेटर कूलिंग इफेक्ट। बिल्ड क्वालिटी आप नोट कर सकते हैं विच इज़ रियली गुड एनफ। और ये है फैन की दूसरी साइड और इस जानब जो है ये डिफरेंट कनेक्टर्स मौजूद हैं, इसमें ये फोर पिन कनेक्टर मौजूद है, पावर कनेक्टर मौजूद है और उसके साथ ये एक और कनेक्टर मौजूद है जो कि तीनों फैंस को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। तो ये है जी इसकी बिल्ड क्वालिटी विच इज़ रियली गुड एनफ यू कैन सी। तो ये है जी डीप कूल का फ़ैन और अब बढ़ते हैं इसके मोस्ट सेंसिटिव पार्ट की जानिब जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये फोम मौजूद है। दिस इज़ द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट विच इज़ द बीटिंग हार्ट ऑफ दिस पम्प एंड यू कैन सी इस जानिब जो है ये डीप कूल की ब्रांडिंग के साथ है और ये जो है वो ट्यूब्स ब्रेडेड मटेरियल की हैं, ये कुछ कनेक्टर्स जो है वो इसके साथ प्रोवाइडेड हैं और ये आप अंडर साइड इसकी देख सकते हैं। इसको अभी हम उतारेंगे नहीं क्योंकि इसको उतारने पे ये दोबारा इसकी फ़िटिंग वही नहीं रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि इसके नीचे जो है वो एक प्योर कॉपर की बेस मौजूद है जो विच इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो ये एक बहुत ज़्यादा एफिशेंट कूलिंग के लिए दिस इज़ द हार्ट ऑफ द कूलिंग सिस्टम, ये डीप कूल मोटर पम्प मोटर है ये। और ये है जी इसका मेन कोर रिएक्टर विच वेयर द मैजिक टेक्स प्लेस। ये जो है वो सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होने की वजह से बहुत सारी हीट जो है वो बहुत कम टाइम के अंदर डिसिपेट करता है एंड इट इज़ रियली गुड एनफ फॉर हैंडलिंग ऑल टाइप्स ऑफ प्रोसेसर इंक्लूडिंग द ऑल मॉडल्स ऑफ राइजन। और इस जानिब जो है वो इंक्रीज्ड सरफेस एरिया के साथ ये डीप कूल का रेडिएटर मौजूद है जिसका इंक्रीज सरफेस एरिया मीन नॉर्मल जो रेडिएटर कूलर हैं उनसे इसका सरफेस एरिया जो है वो ऑलमोस्ट 10% जो है वो ज़्यादा रखा गया, दैट इज़ क्लेम्ड बाय द कंपनी। इट्स द सेम थिंग फ्रॉम अदर साइड, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और आपको वंस अगेन बता दें कि जैसे कि आप जानते हैं कि ये एंटी लीक टेक्नोलॉजी के साथ है तो डेफिनेटली ये जो है वो एक बहुत अच्छी अप्रोच के साथ। और इस जानिब देखते हैं तो ये एक सील मौजूद है, यहाँ पे भी एक सील मौजूद है जिससे लिक्विड जो है वो लीक ना होने को इंश्योर किया जाता है और इस चीज़ को इंश्योर किया जाता है कि वारंटी जो है वो मेंटेन रहे। तो ये है जी बहुत ज़बरदस्त किस्म के एल्युमिनियम बिल्ड के साथ हमारा डीप कूल गैमैक्स L360V2। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि अगर आप ये कूलर बाय करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट thegamingstore.pk को विज़िट कर सकते हैं जहाँ पे आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। एंड वी आर हैप्पी टू अनाउंस कि हम थ्रू आउट पाकिस्तान जो है वो आपको इन गेमिंग पीसी कंपोनेंट्स एंड गेमिंग पीसी बिल्ड्स की डिलीवरी ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। अगर आप कोई भी गेमिंग पीसी कंपोनेंट या गेमिंग पीसी बिल्ड बाय करना चाहते हैं तो जस्ट हमारी वेबसाइट पे जाएं, प्रोडक्ट्स को ऐड टू कार्ट करें और ऑर्डर प्लेस कर दें और इंशाल्लाह प्रोडक्ट्स जो है वो आपके गिवन एड्रेस पर आपको डिलीवर कर दी जाएंगी। मोरओवर ये अगर आप इस किस्म की मज़ीद अपकमिंग अनबॉक्सिंग एंड रिव्यूज़ जो कि इंशाल्लाह इस चैनल पर रेगुलरली आते रहेंगे वो देखना चाहते हैं तो आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ साथ मज़ीद आपको बताना चाहेंगे कि ये जो बैक एंड पे आप प्रोडक्ट्स देख रहे हैं इनमें से अक्सर कंपोनेंट्स की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यूज़ जो है वो हमारे चैनल पे अपलोडेड हैं और जिनके अपलोडेड नहीं है वो इंशाल्लाह जल्दी अपलोड कर दिए जाएंगे। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स फॉर योर टाइम, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।